गुड मॉर्निंग राधे राधे जैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और देखिए सुबह का समय हो गया है और बाबू मेरा जग गया है और कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और देखिए फ्रेंड मैं किस आज मैं पूरी खीर सब्जी बना रही हूँ आज मैं पूरी खीर सब्जी बनाई हूँ अपने बाबू के लिए खाने के लिए बाबू खाएगा ना तो खाएगा ना पूरी खीर सब्जी ना। हाँ अरे भाई बोल बोला है हाँ <laughs> तू तो खाएगा ना पूरी खीर और क्या खाएगा बोलो क्या खाएगा क्या देखो तो उन्हें देखो देखो क्या खाएगा बोलो क्या खाओ क्या नम, नम खाओगे बोलो पूरी खीर सब्जी बाबू खाएगा ना हाँ खाएगा और बाबू के लिए बनाए हैं पूरी खीर सब्जी दो मिनट तक बने रहिएगा तभी आप लोग को देखा नहीं मिलेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब देखिए मेरे बाबू रो रहा है और फिर देखिए यहाँ पर किस चीज़ का तैयारी चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ खेत में धान का बिया डाला जाता है तो कुछ मीठा चीज बनाया जाता है और देखिए मैं वहीं जुगाड़ कर रही हूँ बनाने के लिए आज बिया डल ला गया है खेत में रुपने के लिए तो इसीलिए अब ये तैयारी हो रही है और देखिए यहाँ पर चावल ले लिए हैं महिका चावल है जो कतरनी वाला होता है वही चावल है और देखिए इसको अब धो लेंगे अच्छा से दो पानी से धो के इसको जितना इसमें का मतलब कचरा रहेगा वो निकल जाएगा बाहर और देखिए दो पानी से धोकर इसको पानी का गिरा लेंगे पानी को अब तब इसको है, बाद इसको अब रख देंगे पाँच दस मिनट के लिए रख देंगे ये फूल जाएगा अच्छा से देखिए अब ढक कर इसको रख देंगे पाँच मिनट के लिए रख दिए हैं यहाँ पर और देखिए हमारे यहाँ पर तो लाइट कट गया है तो थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है और इसमें डाल देंगे इलायची इसके बाद और काजू बादाम किशमिश कढ़ी का सब चीज़ डाल देंगे जो कुछ डालना होगा और देखिए यहाँ पर सब्जी छमक दिए हैं प्याज मरचा डालकर छमक दिए हैं इसको हल्का धीमी आंच पर इसको भूजेंगे और देखिए इधर भूज रहे हैं अब इसके बाद और हम काजू बादाम किशमिश नहीं डाल रहे हैं क्योंकि केवल क्यों बादाम डाल रहे हैं कैसे कि काजू जो मतलब इसलिए नहीं डाल रहे हैं और देखिए यहाँ पर चावल फूल गया है पाँच दस मिनट के लिए रेस्ट रख दिए हैं और फूल गया है अब इसको अच्छा से मसल मसाल के अब इसको थोड़ा दो तीन भाग में कर लेंगे हो जाएगा तब इसके बाद देखिए यहाँ पर डाल रहे हैं चावल चावल डाल देंगे चावल डाल के तब इसके बाद अब इसको पकाएंगे धीमी आंच करके पकाएंगे पाँच मिनट दस मिनट दस मिनट के बाद पक जाएगा इसके बाद अब इसमें कुछ और डालेंगे और देखिए सब्जी भी चला रही हूँ और ढक के रख दी हूँ देखिए इतना अध हो गया है आधा मतलब चावल पक गया इसके बाद तब तो इसमें चीनी डालेंगे देखिए स्वाद मतलब जितना मीठा अनुसार जितना मीठा मतलब ये मांगेगा उतना ही डाल देंगे इसके बाद ये दूध डाल देंगे दूध क्योंकि मेरा मन धिकाया हुआ है इसीलिए मैं दूध और पानी एक बार नहीं बैठाया हूँ क्योंकि दूध दूध खौला हुआ था इसके बाद ये खोल गया चावल आधा जब पक् हो गया तब दूध डाले हैं ताकि फटे ना और जब कच्चा दूध रहता है तो कच्चा दूध और पानी एक बार बैठा कर इसके बाद खीर बना देते हैं लेकिन मेरा कच्चा दूध नहीं था दूध को खला और खीर पक रहा है तब तक ये इधर तैयारी चल रही है पूरी के देखिए पूरी को अब इसी तरह दो भाग में कर लेंगे इसको अच्छा से मतलब पतला एक डो बना लेंगे इसके बाद इसके कट कट के कट कट कर करके इस तरह छोटा छोटा लोई बना लेंगे इसको देखिए इस तरह लोई बना कर रख लेंगे के बाद तो अब इसके बाद इसको बेल कर एक जगह रख लेंगे अब इसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर अच्छा से और देखिए पूरी मतलब मिला गया है अब इसके बाद कढ़ाही में देखिए तल रहे हैं देखिए कितना सुंदर सुंदर ये देखिए फूल रहा है देखिए तेज आँच कर देंगे तो अच्छा अच्छा सब सुंदर सुंदर फूलेगा देखिए इसी तरह सभी को मतलब अब एक एक करके सभी को तल लेंगे इसी तरह अच्छा से देखिए और लाल लाल पूरी अच्छा लगता है लाल लाल रहता है तो देखने में भी अच्छा रहता है देखिए इसी तरह से सभी को अब निकाल लेंगे देखिए यहाँ पर बन कर रेडी हो गया है आइए 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 आप लोग भी खा लीजिए देखिए कितना सुंदर खीर बन गया है देखिए अच्छा और सुंदर बन गया है खीर देखिए कितना सुंदर लग रहा है खीर खाने में देखिए यहाँ पर गर्मी की वजह से मेरे बाबू रो रहा है परेशान कर रहा है गर्मी हो रहा है काफी यहाँ पर कल तो थो थोड़ा रहा था गर्मी से और सुबह में आज भी था लेकिन फिर भी अभी फिर हाल में इतना गर्मी हो रहा है इतना गर्मी हो रहा है ना लगाऊं बाबू परेशान कर रहा है लाइन भी कट जा रहा है लाइट भी नहीं आ रहा है आ रहा है फिर कर्जा रहेगा कर्जा रहा है, है, कर है इसीलिए थोड़ा बाबू परेशान कर रहा है दीदी कहने वाली दीदी आजा दीदी आओ दीदी आजा जा कहाँ बाबू के ले जा बाबू के ए जी एने शिव जी आ जा के बोला था बोला था शिव के शिव को बोला था बाबूले शिव के ना बोले पका का भाई शिव के ना बोले हैं का भाई ये तो लड़का शिव के ना बोला ना लो और ठीक है फ्रेंड वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए चलता हूँ